गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो स्टैंडर्ड थर्ड, आपने स्टैंडर्ड थर्ड में जो आपकी फर्स्ट पोयम थी ककू, यानी कि उसका मीनिंग होता था कोयल, हमें ककू क्यों अच्छा नहीं लगता था, ककू हमें क्यों अच्छा लगता था, ये सब आपने देखा है। उसकी कई एक्सरसाइज भी आप लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हो। आज हम जो कुछ छूट चुका है उसमें वो डिस्कस करेंगे। क्या कहते हैं कक्कू कैसा है, शायद आपने यहाँ तक पढ़ चुका है कि कक्कू कैसा था। फिर एक बार रिपीट करती हूँ, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है। तो हमने देखा था कोयल पेड़ पर रहकर गाना गाती है, मगर कक्कू रोता है, भड़क जाता है, चिढ़ जाता है, यानी कि उसके साथ कोई ठिठोली यानी कोई मजाक करता है तो वो जरा सी बात पर चिढ़ जाता है, यानी कि गुस्सा हो जाता है, मुंह फुलाता है, झगड़ालू है, सबके साथ झगड़ता ही रहता है, इसलिए कक्कू कोयल जैसा नहीं। यहाँ तक हमने देखा था, यह आपका शायद HW था, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। नामों की रेल, देखो यह रेल का पिक्चर है, रेलगाड़ी हम जिसको बोलते हैं, आप सभी को शायद ख्याल ही है। पांच पांच बच्चों की टोली बना लो, अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। क्या कहते हैं कि जो पांच बच्चे हैं उसकी हमें एक टीम बनानी है, और क्या करना है कि सबके नाम है जो हिंदी वर्णमाला है जिसको हम कक्का कहते हैं, कक्कू कहते हैं, वहाँ हमें ऐसे इसको फिलअप करना है। देखो वर्णमाला याद है ना, वर्णमाला की तरह से हमें इसको फिलअप करना है सबके नाम के साथ। आप यहाँ नहीं हो लेकिन ये हम आपसे ही करवाते, अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाए। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लिखूँ कमल, तो कमल यहाँ फर्स्ट आता है। कमल के बाद जिसका नाम होता है वो राजू होता है, फिर सुरेश आता है, फिर हम वर्णमाला की क्रोनोलॉजिकल वाइज देखें तो फिर ह यानी कि हरेश लिखो, और क्ष लास्ट में, देन ग्न से तो नाम आपको आता है तो आपको आप भी लिख सकते हो ऐसे वर्णमाला की तरफ से, लेकिन मैं यहाँ क्ष से लड़की का नाम क्षमा जो होता है वो लिखती हूँ। तो ये हो गए वर्णमाला के अनुसार नाम। अब क्या है चिड़ाना, क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो, ये कक्षा में चर्चा करनी है। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, यानी कि तुम पर भी कोई गुस्सा करता है, चिढ़ाता है, तो तुम्हें कैसा लगता है, यानी कि मानो यदि हमें कोई चिढ़ाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, कई बात है जो हमें अच्छी लगती है, ये है ना बाय नेचर की मैटर है, किसी को अच्छा लगती है और किसी को नहीं लगती है, तो ये बाय नेचर की मैटर है। जब हमें किसी के साथ मजाक मस्ती करते हैं तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं भी लगता है, यदि बहुत हो तो सबको अच्छा नहीं लगता है शायद चिढ़ाना। तो यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या है गेंद का मन, गेंद यानी कि जो बॉल जिसे आप खेलते हो सबको पता है और सबकी फेवरेट भी है। क्या कहते हैं, मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्यों गेंद की यह बात समझ में नहीं आती। इट इज़ अ वेरी ह्यूमरस मैटर। क्या कहते हैं गेंद का मन, यानी कि जो बच्चे है उसे खेलने का मन है, और क्या कहते हैं जो एक क्रिकेट खेल रहे हैं शायद, देखो बैट है, ये बॉल है, गेंद है, ये बच्चा है जो शायद बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, ऐसा हम देख सकते हैं। क्या कहते हैं कि बच्चा बैटिंग करता करता क्या सोचता है कि मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश करता हूँ, कि क्या कहते हैं कि मैं तो गेंद है वो उसको सीधा मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन क्यों पता नहीं गेंद की बात मुझे समझ नहीं आती। ये हमें भी पता है कि जब हम गेंद से खेलते तो ऐसा नहीं होता है कि वो सीधा ही जाए, हम बैटिंग करते हैं तब पता नहीं कि वो किस गति में जा रही है, सिक्स लगेगी, फोर लगेगी, जिसको भी ये क्रिकेट के बारे में नॉलेज है उसको कुछ ज़्यादा ही पता होगा इसके बारे में, तो ये इट इज़ योर कनेक्टिविटी शायद। और आप भी सोच सकते, आप भी क्रिकेट खेलते हो तो आपको पता होगा
तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन ककू यानी कि कोयल, जो यहाँ कंप्लीट होता है। देखो यहाँ तक हमने पोएम देखी थी, क्या है नाम है उसका, ककू ककू माने कोयल, ये सब हमने देखा था। फिर ये यहाँ है, अब ये है वो कहाँ, राजेंद्र घोड़ पकड़, जो ये इज आई थॉट दिस इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। दो बच्चे बात कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में। आपको क्या करना है, जो क्रिकेट की बातचीत है वो अपने फ्रेंड्स के साथ करनी है, पर शायद आप अभी ये फ़ोन पे कर सकते हो, यहाँ तो कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पोएम कंप्लीट होता है ककू। अब आगे की क्या बात है, दूसरा जो एक लेसन है शायद, देखो ये लेसन है आपका इतना यहां तक। अब देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। क्या कहते हैं, शेखी बाज मक्खी मक्खी। अब है ना इसमें ये मक्खी की बात की है, शायद शेखी बाज मक्खी का मीनिंग होता है कि मक्खी है वो शायद क्लेवर होगी, जिसको इट इज अनदर टाइम वो होशियार होगी, कुछ चालाकी की होगी इस मक्खी ने, कुछ किसके साथ कि वो अपने ट्रिक्स यूज कर रही होगी। ऐसा भी कुछ स्टोरी में है कि एक शेर है और एक मक्खी है, उसके साथ कुछ इंसिडेंट है, वो ही इस कहानी में है। अब देखते हैं क्या है। एक था जंगल, क्या कहते हैं, एक जंगल था यानी फॉरेस्ट, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। क्या कहते हैं कि एक एक जंगल था और उसमें जो शेर था वो भोजन करके आराम कर रहा था, यानी कि शेर है वो खाना, अपना खाना खाने के बाद आराम में है ऐसा। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। देखो क्या हुआ, जो मक्खी है वो उड़ती उड़ती शेर के पास आ पहुंची। देखो ये शेर बैठा है और ये मक्खी है, ये पेड़ के नीचे शेर है जंगल में, ये खाने के बाद आराम कर रहा था, और क्या हुआ, मक्खी आई ऐसा उड़ती उड़ती। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। क्या हुआ कि जो शेर था उन्हें नाया नहीं था, स्नान नहीं किया था। फिर क्या है, इसलिए मक्खी शेर के कान में एकदम पास बिन 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 करने लगी। अब क्या हुआ, जो मक्खी शेर है वो बैठा था आराम कर रहा था, फिर मक्खी आई और क्या कहा कि मक्खी है जो उसके शेर के ये कान होते ना उसके आसपास उसकी जो आवाज़ होती है ना उसमें गुनगुनाने लगी, हम ऐसा कह सकते हैं, यानी कि बजिंग कर रही थी ऐसा गुनगुनाने लगी और उसके आसपास टहलने लगी ऐसा। फिर क्या कहते हैं, शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। क्या हुआ कि शेर था वो तो आराम कर रहा था, उसे नींद भी कैसे आई थोड़ी देर बाद। हम भी जब ऐसा हमारे साथ भी होता है, जब हम रात को हमें कई बार नींद लेट से आती है, जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमें क्या नींद लेट से आती है, उसी वक्त नहीं आती। तो शेर के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो देखो ये सिचुएशंस कैसी है कि शेर था वो जंगल में आराम कर रहा था, उसमें एक मक्खी आई और मक्खी भी क्या कर रही थी कि शेर के आसपास टहलने लगी। हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना, जब हम सोते हैं और कोई आता है और हमें डिस्टर्ब करता है तो हमें भी अच्छा ही नहीं लगेगा। जब हम गहरी नींद में होते हैं और नींद लेट से आती है, बहुत ही कोशिश करने के बाद हमें नींद आती है, तो हमें भी ऐसा ही होता है। तो ये एक्चुअल सिचुएशन है ना, वो शेर के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ,
एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। उतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। क्या हुआ कि जंगल था और शेर आराम कर रहा था और मक्खी आई। फिर क्या हुआ, शेर ने दो दिन से स्नान नहीं किया था। ये शेर था, उसने लास्ट 2 डेज से नहाया नहीं था, स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भीन 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 करने लगी। क्या किया, मक्खी है ना, वो शेर के आसपास ऐसे नींद कर रहा था और उसके ऐसे राउंड में घूम रही थी। फिर क्या, हमने देखा ही था कि शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी और उसे नींद आई थी। तो आज के लिए हम इतना ही। कल हम जो हमारी ये कहानी है, ये स्टोरी है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टू गुड बाय एवरीवन।